हाय गाइस, मेरा तो आप सब देख रहे हो आपके चैनल दीप्त नौशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक फेयर यूज पॉलिसी को लेके, क्योंकि आप में से बहुत सारे क्रिएटर फेसबुक फेयर यूज पॉलिसी को लेके बहुत सारे डाउट पे हो। तो आज का ये वीडियो पूरा देख लो, फेसबुक फेयर यूज पॉलिसी को लेके आप लोगों के मन में और कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये डाउट रहेगा आप लोग फेयर यूज के थ्रू कंटेंट यूज ही नहीं कर पाओगे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो कैसा चलता है फेसबुक फेयर यूज पॉलिसी और फेसबुक पे इसका क्या इफेक्ट है, सारा चीजों को लेके डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों फेसबुक पे फेयर यूज पॉलिसी जो है वो यूट्यूब के कंपेरिजन में बहुत ही अलग है, ये मैं कहूंगा। हालांकि फेसबुक ने अपने फेयर यूज पॉलिसी रूल्स गाइडलाइंस पे जो लिख के रखा है वो अगर आप लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट कुछ अलग ही प्रकार का आता है, और आप लोगों के मन में इसीलिए डाउट भी क्रिएट होता है फेयर यूज पॉलिसी को लेके। यानी कि अगर आप लोग YouTube पे वीडियो क्रिएट करते हो एज पर फेयर यूज पॉलिसी, आप लोग अगर एडुकेशनल या फिर कुछ क्रिटिसिज्म या फिर आप कुछ रिसर्च स्कॉलरशिप या फिर कुछ न्यूज रिपोर्टिंग करते हो, तो आप लोग कभी कभी कॉपीराइटेड कंटेंट को भी बिना परमिशन के फेयर यूज पॉलिसी के अंदर डाल के यूज कर सकते हो, और उस पे यूट्यूब पे कोई भी इशू आप लोगों को नहीं मिलता है। ऊपर से अगर किसी भी कंटेंट को कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट बोल के रखता है कि आप लोग मेरे कंटेंट को अपने वीडियो पे, अपने वीडियो के जो एडिटोरियल वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूज कर सकते हो और हम आपको कोई भी उसके लिए कॉपीराइट नहीं देंगे, तो भी आप लोग उस कंटेंट को उस वेबसाइट से उठा के यूज कर सकते हो यूट्यूब के अंदर। और ये बहुत सारे क्रिएटर करते हैं अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल और एनहेंसमेंट थोड़ा सा बरकरार रखने के लिए, जैसे कि Pixabay.com से भी हम लोग कभी कभी इमेज वगैरह या फिर वीडियो क्लिप्स भी उठा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं। मगर फेसबुक का जब बात आता है तो फेयर यूज पॉलिसी जो फेसबुक ने लिख के रखा है और जो हम यूज करके रिजल्ट मिलता है हमें, वो बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे और एक पॉलिसी है रीयूज रीपर्पस कंटेंट का, जिसके वजह से हमारे पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। हालांकि सेम पॉलिसी यूट्यूब पे भी है रीयूज कंटेंट का, मगर यूट्यूब पे जो रीयूज कंटेंट है वो अगर आपने आपके उस पर्टिकुलर वीडियो पे फेयर यूज कंटेंट यूज तो किए हो, मगर प्राइमरी जो वैल्यू है वो आपका ही रहता है, आपके कमेंट्री रहते हैं, आपके योगदान रहते हैं उस वीडियो पे, तो यूट्यूब उसको फेयर यूज के अंदर डाल के आपको कोई भी इशू नहीं देता है। मगर फेसबुक पे जैसे ही आप सेम मतलब फेयर यूज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, कहीं से गूगल से उठा के थोड़ा सा इमेज ले लिया, थोड़ा सा न्यूज़ क्लिप्स ले लिया, और क्रिटिसिज्म भले रोस्टिंग चैनल जो रोस्ट करने के लिए दूसरे टिकटॉक या फिर कोई भी क्रिएटर का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, फेयर यूज़ के खाते में नहीं जोड़ा जाता, उस पे रीयूज रीपर्पस पॉलिसी का इशू आ जाता है, जिसके वजह से फेयर यूज़ करने के बावजूद भी पॉलिसी इशू लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का लग जाता है फेसबुक पे। ये आम तौर पे ऑलरेडी देखा गया है और आप लोगों ने भी ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप भी इस चीज़ को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हो तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब बात ये आता है तो फिर फेसबुक के लिए फेयर यूज़ क्या है। अब देखिए, जब रूल्स हुआ, जब लॉ बनाया गया है फेयर यूज़ का, तो इस पे कोई भी क्लियर रूल्स नहीं है, क्लियरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस नहीं है, कौन सा कंटेंट फेयर यूज़ पे आएगा उसका कोई भी प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। मगर फिर भी YouTube के तरफ से जो फेयर यूज देखा जाता है वो फेयर यूज वाला कंटेंट पे कभी भी YouTube रीयूज कंटेंट का इशू नहीं देता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर फेयर यूज वाला वीडियो पे आप लोग आपका भी वैल्यू ऐड करते हो। और सेम Facebook पे भी लॉ लिखा गया है कि आप अगर किसी भी कंटेंट पे अपना वैल्यू ऐड करते हो और उस कंटेंट को खुद का बना लेते हो तब उस पे पॉलिसी इशू नहीं दिया जाएगा, मगर फिर भी देखा गया है रीयूज रीपर्पस कंटेंट का इशू आता ही है। अब फेयर यूज हम करें तो करें कैसे, कुछ भी उठाते हैं थोड़ा सा पार्ट भी यूज़ करते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट का ही, मैं एडुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, मेरा रिसर्च वाला कंटेंट है, मेरा न्यूज़ वाला कंटेंट है, क्लिप्स लेना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ कभी कभी होता क्या है, एक
जो कैमरामैन होता है वो ही लेके आते हैं और फिर वो सारे जो एडिटोरियल टीम होते हैं उनको सेंड करते हैं, फिर उस न्यूज़ को लेके अपना खुद का योगदान करके कमेंट्री करके हम उसको खुद का बनाते हैं, मगर फिर भी फेसबुक पे इशू आ जाता। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मेरे एक्सपीरियंस अनुसार अगर आपको फेसबुक का फेयर यूज़ पॉलिसी बताऊँ, तो फेसबुक पे जब तक आपका रीयूज़ कंटेंट यानी कि कहीं भी कोई भी सोर्स से उठाए गए कंटेंट को जब तक पकड़ में नहीं आएगा फेसबुक के रीयूज़ पॉलिसी के अंदर, तब तक वो फेयर यूज़ रहता है और उसके लिए आप जिम्मेदार हो। फेसबुक जिम्मेदारी नहीं लेता है कि हाँ ये कंटेंट इसने यूज़ किया ये फेयर यूज़ है, फेसबुक नहीं मानेगा क्योंकि उसका एल्गोरिदम अभी तक उतना एडवांस नहीं है। इस कंपैरिजन में यूट्यूब का एल्गोरिदम फार बेटर है, फेयर यूज़ के लिए कोई भी पॉलिसी इशू नहीं देता। अब बात करूँगा फिर फेसबुक पे फेयर यूज़ जो कंटेंट यूज़ किया जाता है वो किया कैसे जाता है, लोग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताऊँगा, कुछ कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि कॉपीराइटेड तो होता है मगर आप उसका राइट खरीद सकते हो और आपको कंटेंट आईडी प्रोवाइड किया जाता है। इवन राइट मैनेजर टूल के थ्रू भी रेफरेंस फाइल के द्वारा आपको रेफरेंस दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। तो उस केस पे वो कंटेंट को जब आप अपने पेज के कंटेंट के साथ एडिशन करके यूज करते हो तो मोस्टली देखा यह जाता है फेयर यूज के खातिर फेसबुक उस पर कोई पॉलिसी इशू नहीं देता है, मगर फिर भी मैंने ऑब्जर्व किया ऐसे ही कंटेंट लिया गया है और बहुत सारे लोग जब यूज कर देते हैं जो कॉपीराइटेड कंटेंट है उसका लाइसेंस खरीद खरीद के, अगर मैं भी खरीदा आप भी खरीदे और कोई भी खरीदा और फिर वो कंटेंट यूज किया जाता है फेसबुक पे ढेर सारे लोगों के द्वारा और उसके ऊपर से आपके उन वीडियोस में ढेर सारे व्यूज भी आते हैं जो कि आम तौर पे आना ही है। भाई लाइसेंस ले रहा हूं मतलब उस क्लिप में दम है तभी तो मैं ले रहा हूं क्योंकि उससे मुझे पैसा बनाना है। तो देखा जाता है जब वो कंटेंट वायरल हो जाता है तो उस कंटेंट पे भी येलो डॉलर आ जाता है, तो फिर यहाँ पे भी फेयर यूज जो है वो अटक जाता है कहीं ना कहीं पे जाके। तो इसीलिए मैं कहूंगा फेसबुक पे फेयर यूज जो मतलब पॉलिसी होता है वो बेसिकली है ही नहीं, वो आप नहीं यूज़ करोगे वो बेहतर है। अगर फेयर यूज़ आपको यूज़ करना है तो यूज़ करो, फिर कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट जिम्मेदारी आपका है, फेसबुक कुछ किसी को भी फेयर यूज़ नहीं मानेगा। रीयूज्ड होगा, रीपर्पस्ड होगा, फेसबुक के एल्गोरिदम को ट्रिगर होगा, तुरंत उस पर लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है, फेसबुक का फेयर यूज़ पॉलिसी यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये मैंने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे जिक्र करना है और ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी है फेसबुक फेयर यूज पॉलिसी के बारे में। तो हमें यही पता चलता है कि कोई भी क्लियर कट रूल नहीं है फेसबुक पे फेयर यूज पॉलिसी को लेके, जो कि यूएस में फेयर यूज है, बाकी सारे अदर कंट्रियों में एज पर लॉ फेयर यूज किया जाता है, मगर देखा यही जा रहा है कि फेयर यूज करने के बावजूद भी, वैल्यू एडिशन करने के बावजूद भी उस कंटेंट पे इशू आ ही जाता है। तो बेहतर होगा आप लोग गूगल से उठा के कोई भी इमेज को एज ए फेयर यूज अपने वीडियो पे मत जोड़ो, कोई भी वेबसाइट जो कि फ्री में आपको म्यूजिक देता है या फिर कोई भी वेबसाइट जो फ्री में आपको इमेज या फिर वीडियो क्लिप्स प्रोवाइड करते हैं फेयर यूज करने के लिए, उस कंटेंट को यूज मत करो। इससे भी ऊपर जाके आज के इस वीडियो पे एक एडवांस नॉलेज दूंगा कि जो मैं कहता हूँ कि अगर आपको म्यूजिक यूज़ करना है तो फेसबुक के जो क्रिएटर स्टूडियो के अंदर क्रिएटिव टूल होता है उसके अंदर साउंड कलेक्शन होता है, वहाँ से भी आज के डेट पे तो म्यूज़िक यूज़ मत करो क्योंकि वो म्यूज़िक भले फेसबुक कह रहा है कॉपीराइट नहीं लगेगा, मैंने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है वही कंटेंट में कॉपीराइट लग रहे हैं और ये एक फेसबुक का लूप होल है। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको राइट मैनेजर टूल का एक्सेस मिला होता है और वो लोग जब कंटेंट क्रिएट करते हैं वही म्यूज़िक को यूज़ करके रेफरेंस फाइल पे ऐड करके रखते हैं वो म्यूज़िक के लिए, फिर आप जब आपके पास राइट मैनेजर नहीं होता है आप वो कंटेंट को यूज़ करते हो तो आपके म्यूज़िक पे इशू आ जाता है। तो ये एक लूप होल है, जैसे जैसे फेसबुक आगे बढ़ेगा इन सारे लूप होल को होप ठीक करता जाएगा, मगर अब के लिए फेसबुक पे फेयर यूज़ कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अगर कोई भी कंटेंट को यूज़ करते हो तो इसका फुल जिम्मेदारी आपका है, तो अदर रिसोर्सेज से कुछ भी कंटेंट को एज ए फेयर यूज़ मत करो, करोगे तो पॉलिसी इशू आएगा, फिर बाद में आके मुझसे मत कहना कि मैंने तो फेयर यूज़ किया था।
फेसबुक पे कोई फेयर यूज नहीं है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रणाम करो दोस्तों, बाय।